बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 29 मई की शाम सीएसपी संचालक से लूटपाट और गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल समेत 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 किलो गांजा, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पिया थाना क्षेत्र निवासी मुकेश ठाकुर और पांडव पासवान एवं चकमेहसी थाना क्षेत्र निवासी गणेश कुमार के रूप में बताई गई है। सोमवार को एसपी कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी गांजा की तस्करी किया करते थे। रुपयों की कमी के बाद वे लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि कांड के सफल उद्भेदन को लेकर सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें नगर थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, पूसा थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी, चकमेहसी थानाध्यक्ष चंद्र किशोर टूडू, कल्याणपुर थानाध्यक्ष गौतम कुमार, डीआईयू शाखा से अनिल कुमार, राजन कुमार, राहुल कुमार एवं मुकेश कुमार शामिल थे। कांड के अनुसंधान में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाले मिथिलेश कुमार एवं अखिलेश कुमार को उनके बेहतर कार्य को लेकर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि फरार चल रहे एक अन्य अपराधी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चकमेहसी थाना अंतर्गत कलोंजर गांव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक सीएसपी संचालक थे संजीत कुमार राय, वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। जो संजीत कुमार राय सीएसपी चलाते थे एसबीआई का, और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था, उसके बाद अपने गांव जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था। 29 मई की घटना थी, घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, एसआईटी अपना कार्य कर रही थी, और साथ ही हम लोगों ने एक एसआईटी अलग से बना रखी है जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएँ हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि करीब 3-4 घटनाएं और ऐसी हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं। घटनास्थल के प्राथमिक निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्योर लूटपाट की घटना है और लूटपाट के क्रम में ही मारा गया, क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी वो विक्टिम डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते उसके जांग में फंस गई थी। तो छीना झपझपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और जो घटनास्थल का जो ओवरऑल हम लोगों का परिदृश्य था उससे यह स्पष्ट हुआ कि ये लोग जिन अपराधियों ने घटना की है वो भी नशे के कारोबारी भी हैं और नशे का सेवन भी करते हैं, क्योंकि पूरी घटना जिस समय की गई और जिस रोड पर की गई उसको देख के स्पष्ट हो रहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और उसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है, 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, इनका एक साथी भाग गया है लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो पिस्टल 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया तो स्पष्ट हुआ कि आज से एक साल पहले जून 2022 में भी चकमेहसी थाना में बख्तियारपुर बड़ीगाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी, उसको जख्मी हो गया था लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को
सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमैसी में मर्डर हुआ था, उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी, वो पिस्टल 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया, तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमैसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी, उसको जख्मी हो गया था, लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूट की गई थी, वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो CSP संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिस नगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। और इसके बाद 28 अप्रैल को इधर 2023 में पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटना का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था, तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपये की लूट की गई थी और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था, वो उस घटना में भी इन चारों लोगों का हाथ था। चारों लोगों का हाथ था जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमैसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी वो बरामद हो गई, और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का, वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था, वो बरामद है। लुटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था वो बरामद हुआ है, और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। ये सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएं कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है, पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में, और इनका जो तरीका था कार्य करने का था वो यही था कि लूटपाट करनी है, और लूटपाट के क्रम में व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विरोध किया तो गोली चलाने नहीं जा सकते थे, इसलिए इनके द्वारा की गई पाँच घटनाओं में गोली चली है। वारिस नगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु ही हो गई है, और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी बख्तियारपुर में, उसमें भी समूहकर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में, संजीत कुमार की घटना में, घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, उसकी FSL जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमैसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिस नगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं इसलिए इनका